अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काशिफ मजीद। आज की स्टूडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूट्यूब जो है वो आप लोगों को 1 मिलियन व्यूज के कितने पैसे देते हैं। अगर आप नए यूट्यूबर हैं या फिर कह लें कि इस यूट्यूब फील्ड में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। आपको अर्निंग मेरी पता लगेगी, मैं आपको चैनल एनालिटिक्स में जाके मुकम्मल बताऊंगा, ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो में कि मैं कितना अर्न कर रहा हूं, ठीक है, 1 मिलियन व्यूज पर मैंने कितनी अर्निंग ली और आप जो है वो कितना अर्निंग ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक चीज जो है वो जानना बहुत लाजमी है, वो ये कि यूट्यूब आपको हरगिज व्यूज के पैसे नहीं देता। YouTube जो है वो आपको एड्स के पैसे देता है, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको भी होगी कि एड्स चलने के हमें पैसे मिलते हैं, व्यूज़ के हमें कोई पैसे नहीं मिलते। लेकिन एड्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, जितने व्यूज़ आएंगे उस पर एड्स चलेंगे। ये भी एक हमें जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, मगर मेन चीज़ ये होती है कि आप जितनी अच्छी अपनी यूट्यूब वीडियोज़ की SEO करेंगे, ठीक है, आप जितने अच्छे कीवर्ड्स डालेंगे अपनी वीडियोज़ के टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उतने ही ज़्यादा एड्स चलेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 10-10 हज़ार व्यूज़ पर भी $1 नहीं कमा पाते, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो 2-3 हज़ार व्यूज़ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह $1 कमा लेते हैं, ठीक है। अब होता ये किस तरह से है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। कीवर्ड सिलेक्शन जो है वो कहलाती है यूट्यूब SEO, ठीक है। वो मैं अपने कोर्स में सिखाऊंगा पेड, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको उसकी अपडेट दे देता हूँ कि कब मैं कोर्स रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो लास्ट में हम जान लेते हैं। अब बात करते हैं कि हम चलिए आ जाते हैं चैनल इलेक्ट्रिक्स में, ठीक है, और हम यूट्यूब स्टूडियो में देख लेते हैं कि मैंने कितनी अर्निंग की 1 मिलियन व्यूज पे और आप जो है वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए आ जाइए लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये मैंने जो है वो चैनल एनालिटिक्स ओपन किए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिलियन व्यूज हैं और इस पर डॉलर्स देख लीजिए 441.56, यानी कि $440 से ज्यादा मैंने तकरीबन अर्न किया है 1 मिलियन व्यूज पे। और ये मैंने जो है कस्टम की हुई है डेट, ठीक है, June 24 से लेके August 31, ये डेट है जिसमें मैंने अर्निंग की है इतनी। और वॉच टाइम आप देख लें, ठीक है, सब्सक्राइबर्स वगैरह आप देख सकते हैं। अब ये अर्निंग मुझे कितनी हुई है एक व्यूज पे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ पर सर्च करते हैं कितने हमारे 1 मिलियन व्यूज हैं। ये मैंने यहाँ पे जो सर्च किया, ठीक है, 1 मिलियन व्यूज हैं और $441 के लिहाज से अगर देखें तो मुझे तकरीबन 2,260 व्यूज पे मुझे जो है वो अर्निंग मिली है $1, ठीक है। 2,000 प्लस व्यूज जो है वो मुझे मिले हैं, मतलब कि 2,000 व्यूज पे मुझे $1 मिल रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिक। अब कुछ लोग होते हैं जो कि 10-10 हज़ार व्यूज पे भी नहीं कमा पाते, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने SEO अपने चैनल की बेस्ट नहीं की होती अपनी वीडियोस की, ठीक हो गया। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज जो कि टोटली डिपेंड करती है। अब ये जो आप CPM देख रहे हैं, प्लेबैक, ठीक है, बेस्ड CPM, ठीक है, प्लेबैक बेस्ड CPM, अब ये जितना इंक्रीज करेगा उतनी ही आपकी अर्निंग इंक्रीज करेगी। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी अर्निंग पर, ठीक है। ये आप देख लीजिए August 21 में देख लीजिए 1.14 है CPM जो कि मुझे मिला है, और यहाँ पे देख लें 27 में 0.81 मिले। अब मैं आपको अर्निंग में जाके दिखा देता हूँ। अब अर्निंग आप देख लीजिए यहाँ पर 27 की देखें 6.45 है, 27 का जो CPM है वो देखें 0.81 है। अब 28 पर जो है वो CPM 1.14 है और अर्निंग जो है वो 28 पर देखें $12.30 है। यहां से आप देख लें फर्क तकरीबन जो है वो डबल हो गई है अर्निंग। तो CPM जो है वो आप इंक्रीज करें। अब ये भी CPM जो इंक्रीज होता है ये कीवर्ड सिलेक्शन की वजह से ही होता है। आप जितने अच्छे कीवर्ड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं उतना ही जो है वो CPM आपका इंक्रीज होगा। तो ये है मेरी अर्निंग जो कि मैंने कमाई है, ठीक है। 1 मिलियन व्यूज के ऊपर मैं कोई वो नहीं करता होता कि आप बाई किससे ले सकेंगे या इतना मैंने कमा लिया है। तो टोटली जो अर्निंग कमाई है वो आपको दिखा दिए। अब मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि ये कितने पैसे बन जाते हैं, ठीक है। 441 को अगर आप कर लें, $441 इंटू पाकिस्तानी रुपीज, तो ये बनता है 72,000, ठीक है, 900 तकरीबन 73,000 रुपया, 73,000 जो है वो मैंने कमाए हैं, ठीक है, $441 से। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने दिन लगे हैं मुझे ये कमाने के लिए। तो June 24 से August 31 के दरमियान अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये बनते हैं 68 डेज, ठीक है। ये रिजल्ट जो है 68 डेज में मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली थी, तो ये रिजल्ट है 68 डेज। तो 68 डेज के अंदर 73,000 जो है वो मैंने अर्निंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह इससे जो है वो आगे ही चलते जाएंगे। मैं आपको पहले दिखाता हूँ, यहाँ पे तो आई थिंक होगी नहीं अर्निंग, ठीक है। यहाँ से जो है वो मैं आपको कस्टम सेलेक्ट करके, रुक जाइए, चलिए वेट करते हैं, हम कस्टम जो है पहले सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है January 1 से लेकर January 31, यानी कि जनवरी के फर्स्ट मंथ की बात है ये, जनवरी फर्स्ट, हाँ, पहला महीना जो है वो 2020 का, ठीक है। इसमें आप मेरा रेवेन्यू देखें $46.72, व्यूज देखें 639K। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो आप ये देखिएगा 639 डिवाइडेड बाय कितने मैंने डॉलर्स कमाए थे, 46, ठीक है, 46। इसको अगर हम सर्च करें
तो ये बनता है तकरीबन 13.89। तो आप देख सकते हैं कि मुझे जो है वो तकरीबन 13,000 व्यूज़ पे $1 मिल रहा है। तो अब ये किस तरह से मैंने किया, 13,000 से 2,000 पे तकरीबन आ गया है, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है भाई SEO के ऊपर। अगर आप कीवर्ड सिलेक्शन अच्छी कर लेते हो तो आपके जो है वो अर्निंग जो है वो उसी तरह से ज़्यादा होती रहती है। तो अब जो है वो SEO मैं सिखा रहा हूँ अपने यूट्यूब कोर्स के अंदर, अगर आपको वो चाहिए तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं अपना कोर्स रिलीज करूंगा जिसमें YouTube SEO भी है, YouTube चैनल बनाना भी है, ठीक है, वहां से अर्निंग करना भी है, कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा फ्रीलांसिंग का कंप्लीट प्रोसेस है, फ्रीलांसिंग की 5 डिफरेंट स्किल्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ है और वो कोर्स भी इतना महंगा नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सी मैंने अपनी टीचर फीस रखी है यार, जो मैं तकरीबन मुझे 1 मंथ हो गया वो कोर्स बनाते हुए, ठीक है। ये इस टाइम भी रात का टाइम देखें, अभी हाँ सुबह हो गई है, तकरीबन 5:30 का टाइम हो गया सुबह का जब मैं ये कोर्स बना रहा हूँ। तो वीडियो जो ये तो YouTube के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे जो है वो मैं कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने बाय करना हो तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे बात ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के आखिर में आपको वीडियो मिल जाएगी, क्लिक करें और देख लें कि कैसे जो है वो कोर्स आप बाय कर सकते हैं। YouTube SEO है, YouTube है, फ्रीलांसिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है जितना मेरा एक्सपीरियंस है सारा कुछ मैंने उसमें डाल दिया है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं कोर्स इंशाल्लाह रिलीज करूंगा। अर्निंग वगैरह तो आपने देख ली है जितनी होती है, ठीक है, YouTube से, बाकी फ्रीलांसिंग की भी आपको है वो मैं जल्द जो है अर्निंग इंशाल्लाह कोशिश करूंगा शो करवा दूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।